मुझे शक हो रहा है, कल सुबह पूरे गांव वालों के सामने उसे बलिपीठ पर ले आई। शक्ति की दवा दे दी ना? दवा का असर शुरू होते ही मगधीरा जो कमाल करेगा उसे देखना। वैद्य राजकुमार मगधीरा, तुम एक वैताल हो ही नहीं, ऐसा शक मुझे हो रहा है। मैं वैताल हूँ या नहीं ये सिर्फ विचार विमर्श से पता नहीं चलेगा, वीरता से ही साबित होगा। भेज कर देखिए अपने वैतालों को। पिघलते बर्फ हो मगधीरा, और ये शनि तुम्हें जकड़ लेगा। प्यार के मामले में पिघलता बर्फ हो, बदले के मामले में शेर पुली। तेरे शरीर में है लेकिन बुद्धि की कमी है।
जब हार गया तभी मर गया। रानी को मुझ पे कोई संदेह नहीं है, बस ये बीच के लोग हैं जो मुझ पे संदेह कर रहे हैं। अब बोलिए मुझे किसके साथ लड़के साबित करना है, तुमसे लड़के साबित करूं या तुमसे लड़के साबित करूं? अब बस भी करो ना। बोलिए, मैं किसी से भी लड़ सकता हूं, तुमसे लड़ूं या तुमसे लड़ूं? अरे ये क्या कर रहा है, खत्म हुई कहानी को फिर से शुरू कर रहा है। कोई जो मुझसे लड़ना, हमें साबित करके दिखा सकते हो? गलत नहीं, बिल्कुल नहीं रानी। अरे जी, क्या है? दवा का असर शुरू होके 8 निमिष पूरे हो गए हैं। तब तो हमारा शनि शुरू हो गया। एक वेताल की तरह लड़के तुमने जीत हासिल की, ये पहला पड़ाव था, मगर यहाँ के कानून के मुताबिक तुम्हें पार करनी पड़ेगी अकेले वेताल की परीक्षा। रानी से बात करने में समय बर्बाद हो रहा है। अगर तुम इसमें जीत गए तो मैं बेशक मान लूंगी तुम एक वेताल हो। यही है असली वेताल साबित करने की गुफा। सुराइये, दवा ले जाकर तुरंत उसे दे। इसमें वेताल एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से आता है। एक वेताल का शरीर ही इस गर्मी को सह सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर इस गर्मी को सह नहीं पाएगा। देखोगे। ध्वनि सुनाई दे रही है। मुझे तो वो भी नहीं सुनाई दे रही। क्यों भैया? क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप को मरा समझ। राजकुमारी मंतागिनी की शादी महावीर मगधीरा के साथ करने का मैंने फैसला किया। मुहूर्त निकाल कर हम ऐलान करेंगे। मगधीरा वेताल परीक्षा में भी
बच निकला इससे पहले कि किसी को पता चले। मगधीरा को खत्म करना होगा। वो भयानक दरिंदा कहाँ है? बहुत रो रहे हैं ना? देखो हमारा मगधीरा उठ रहा है। शुक्र है धीरे धीरे उठ रहा है वो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बेताल परीक्षा में मैं मरा क्यों नहीं। मैं क्या जानू मगधीरा। बेताल किले का धोबी तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। ये पत्ता तुम्हारे बिस्तर में पीठ की तरफ मिला। ये तो मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। जानते हो ये पत्ता क्या करता है? तुम्हारे शरीर में जो बेताल शक्ति है उसे रोकते हुए बाहर से एक साधारण मनुष्य का रूप देने वाली अद्भुत जड़ी बूटी है। मतलब मैं भी एक बेताल हूँ क्या? बिल्कुल, तुम एक बेताल हो। तुम्हारे पिता कौन है पता है? देव नन्ना 56 गांवों के लिए भला करते हुए आए थे, लेकिन उनसे एक ही गलती हुई थी पता है? वो थी उस जल तरंग को दलपति बनाना, और उस दिन से उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये सब महाराजा और यमन रानी की आंखों में धूल झोंक कर करते लगा। पतंग बना के उसकी डोर जल तरंग ने अपने हाथों में रखी। सिर्फ इतना ही नहीं, जल तरंग के इस खेल में विधि भी उसके अनुसार घोर तांडव नृत्य करने लगी। आने वाले मनुष्यों में से सुरभि एक है क्या? इसलिए वो बोलता है। तुम्हारे माता पिता को काले चीते ने मार दिया ये कह के जल तरंग ने नाटक किया। सत्रह साल से बिना कोई रुकावट के वो बलि पूजा करते आया है, और ये 18वां साल है। कल सूर्य ग्रहण है, आखिरी पूजा है। मगधीरा, तुम्हें उस पूजा को किसी भी तरह रोकना होगा। पूजा अगर सफल हुई तो पूरी मानव जाति उसके चंगुल में फंसकर मिट्टी में मिल जाएगी। इसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो बेटा। कहाँ गया मगधीरा, दिखाई नहीं दे रहा। तुम बता के भी नहीं गया। ये क्या बड़े भाई के ऊपर हाथ रख रहे हो तुम? हम फंस गए क्या? वही तो। मैं भयानक दरिंदा हूँ।